अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज का टॉपिक है, मैं सोच रही थी इनफैक्ट काफ़ी दिनों से कि ये कुछ चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में थी या हमारे ज़िंदगियों में होती है, ये हमारा ईमान ख़राब कर देती है। और जाहिर सी बात है, ईमान ख़राब होना मतलब आपका अल्लाह से रिश्ता, आपका अल्लाह से ताल्लुक, यू नो, बीच में एक डिस्टर्बेंस आ जाना और आपका वो ताल्लुक नहीं रहना। जाहिर सी बात है, कौन अल्लाह से अपना ताल्लुक ख़राब करना चाहता है? जब हम इंसानों के साथ ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहते, तो अल्लाह से तो आई एम श्योर कोई नहीं करना चाहता होगा। हाँ, हम गफलत की ज़िंदगी में जीते हैं, तो हमें लगता है इंसानों से ताल्लुकात हमें ज़्यादा बेहतर करने में हमें ज़्यादा वर्क करना है, चाहे हम उसके लिए अल्लाह को नाराज़ करें। और ये आज का बहुत रेगुलर चीज़ हो चुकी है एंड इट इज़ वेरी सैड ऑब्वियसली, बट हमारे पास मौका है, हमें उस मौके को यूज़ करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो कुछ चीज़ें एक्चुअली आपका रिश्ता अल्लाह से बहुत, आपको बहुत दूर कर देती है अल्लाह से। सबसे पहला चीज़ है हराम रिश्ता, हराम रिश्ते में रहना। आई नो आजकल हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं और सोशल मीडिया इतना आपके सामने है, तो हम देखते हैं कि हराम रिश्तों को बहुत कैजुअली प्रमोट किया जाता है और उसे कैजुअल बना दिया गया है कि नो बिग डील। बेशक अगर आप किसे पसंद करते हो, इस्लाम ने आपको वो हक दिया है एज अ वुमन, एज अ मैन, कि आप उस पसंद को जाके अपने घर में बताएं और उसे हलाल में कन्वर्ट करें, उसे निकाह में कन्वर्ट करें। क्योंकि अगर आप अफेयर रखने की काबिलियत रखते हैं, तो आई एम श्योर हम निकाह रखने की भी करते हैं। बट सोसाइटी सबसे पहले तो हमें ये दिखाता है कि पहले कमा लो, पहले पैसे बनाओ, फिर निकाह करो। एंड ये अनफॉर्चुनेटली हम बहुत लोगों की ज़हनियत हो गई है घर में भी, कि भले हमारे बच्चे हराम रिश्ते में रहे, जिना करें, लेकिन निकाह भी नहीं कर सकते क्योंकि जॉब नहीं है। एंड दैट इज़ रियली सैड, दैट इज़ रियली सैड। एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में सिखाए, इस चीज़ के बारे में समझाए। तो डेफिनेटली हराम रिश्ता इज़ समथिंग जिसे हमें बहुत बहुत बचना चाहिए। अल्लाह हमें ऐसी सारी चीज़ों से, ऐसी सोच से दूर रखे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कहते हैं ना, जब इंसान हराम रिश्ते में होता है, हराम कमाई में होता है, तो अल्लाह उसकी सारी बरकतें छीन लेता है। उस वक्त तो उसे वो मज़ा दिखता है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो बहुत हानिकारक है। एंड ऑब्वियसली ऐसी बहुत चीज़ें मैंने अप क्लोज पर्सनल देखी है एंड आई रियलाइज्ड कि ये बिल्कुल सही चीज़ है। हम सुनते हैं, हम इसे ठीक है करके हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें सो कॉल्ड लिबरल लाइफ जीनी है। बेशक आप जी सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट एक हुदूद होता है, एक दायरा होता है, एक कभी कभी हम बेशर्मी की जो चीज़ होती है, उस दायरे को कब क्रॉस करके आगे चले जाते हैं, बाद में हमें उस बेशर्मी में भी फ़क्र महसूस होता है फॉर सम रीज़न। तो हम कोशिश करें कि हम इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो। हम देखते हैं इंस्टाग्राम है और इतने सारे सोशल मीडिया है जहाँ पे लोग अपने जो ऐसे रिश्ते होते हैं उनके साथ बेफिक्री से बाहर घूमने जाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं कि बिना निकाह के भी हम फलाना ये जगह रह सकते हैं, घूम सकते हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। तो प्लीज़ इस ट्रेंड को फॉलो ना करें। और ये चीज़ सिवाय इस दुनिया आखिरत में नुकसान के अलावा आपको कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देगी। एंड ये मैं आपको डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि आपका दिल का सुकून, आपकी ज़िंदगियों की बरकत ख़त्म कर देती है। तो सबसे पहला है हराम रिश्ता, दूसरा है मौसीकी, म्यूज़िक। जितना आप म्यूज़िक सुनोगे, आपका दिल उतना ही उसकी तरफ माइल होगा, उस तरफ मुड़ेगा। और हर वक्त आपको म्यूज़िक समझ में आएगा। बेशक म्यूज़िक इज़ हराम एंड देर इज़ नो, इसमें कोई दलील नहीं हो सकती। बेशक आप जिसे गलत को सही साबित करना होता है, वो आपको ये दलील वो दलील क्या क्या देगा, लेकिन म्यूज़िक इज़ डेफिनेटली हराम बिकॉज इट वॉज़ इन्वेंटेड बाय शैतान। सो ऑब्वियसली हमें कोशिश करना है कि हम म्यूज़िक से बहुत 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 दूर रहें। मैंने देखा है कि जब मैं पुरानी ज़िंदगी में अपने मैं सोचती थी कि चलो आज कुछ नया सुरा सीखूंगी, लेकिन म्यूज़िक जहन में इतनी ज़्यादा जगह बना के बैठा था कि नया कुछ मैं सीख नहीं पाती थी। अब जब मैंने म्यूज़िक कम्प्लीटली सुनना बंद कर दिया, कम्प्लीटली, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह कभी नहीं सुनती हूँ म्यूज़िक को, तो
जब से मैंने वो किया, ट्रस्ट मी, मैंने 3 नई सूरतें सीखी है। मैं एक, मुझे भी बोलना नहीं है, बट एक बड़ी सूरत है जो ऑलमोस्ट मुझे बाय हार्ट हो गई है, क्योंकि वो रोज का एक वजीफा भी है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितना कुछ सीख सकती हूँ। और इल्म कहते हैं ना, इल्म की जो जगह जो हम सीखते हैं, और स्पेशली जब आप दीनी तालीम हासिल करते हो, तो उसके लिए आपको अपनी दिल की जगह खाली रखनी पड़ती है, अपना दिमाग खाली रखना पड़ता है, ताकि आप उसको सीख सको। सीखने के बाद आप उसे अपनी जिंदगी में हर सिचुएशन के साथ कैसे रिलेट करते हो, तो वो काबिलियत तब आती है जब आप इन सारी चीजों से, जिससे अल्लाह कहता है दूर रहो, आप उससे दूर रहते हो। एंड मैंने एटलीस्ट देखा है कि म्यूजिक ने मुझे डेफिनेटली बेहयाई के तरफ प्रमोट किया है, और मुझे थोड़ा सा और पुश किया है, थोड़ा सा और पुश किया है। क्योंकि जब आजकल आप ट्रेंड्स देखते हैं, इट्स सैड कि आप जवान तो जवान, बूढ़े भी, बच्चे भी, यू नो दे आर डांसिंग ऑन दिस वियर्ड सॉन्ग्स जिसके गंदे लिरिक्स होते हैं, एंड यू सी देयर मूव्स, एंड व्हेन आई लुक एट दैट आई फील इट इज सो बैड। लाइक अगर मुझे उस चीज में बेहयाई दिखती है, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह मुझे अभी भी, यू नो, इस चीजों में रहने के बाद भी, आई एम स्टिल कंसिडरिंग दैट एज बेहया, विच इज अ वेरी बिग रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह सुबहान व तआला, के एटलीस्ट आपके अंदर अभी भी वो गैरत है कि आप अच्छा बुरा, हयाई बेहयाई में डिफरेंस कर पा रहे हो। एंड आप अगर वो कर पाते हो, तो आपको अल्लाह का सबसे पहले शुक्र करना चाहिए कि हम उस चीज को कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में, माजी जिंदगी में एक वक्त था जब मुझे पता तो था ये गलत है, लेकिन यू नो कभी कभी वो चीजों को लेट गो करके मैंने कुछ ऐसी चीजें हैं जब मुझे वो, कैसे कहूं मैं, मतलब ऑनेस्टली मुझे बोलते वक्त भी अपने ऊपर अफसोस हो रहा है कि मैंने एक वक्त पे एक ऐसी सोच कुछ वक्त के लिए रखी थी, पर रखी जरूर थी, कि मुझे इसके अंदर भी बेशर्मी नहीं नजर आती थी, चाहे यू नो वो बहुत सारी चीजें हैं। ऑफ कोर्स एक इंसान का पर्सनल, जब वो सीखता है तो वो पर्सनली अपने माइंड को ट्रेन करता है, और वो उस तरीके से ग्रेजुअली बढ़ता है। तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने में, इस तरीके से अजीबोगरीब नाच करने में, और गैर महरमों से मिलने में, गले लगने में, और डांस करने में, हाथ मिलाने में, मुझे ऐसा लगता था इट्स नॉट अ बिग डील, यू नो, हम मॉडर्न हैं। ये सोच ने डेफिनेटली मेरा बहुत नुकसान किया। तो सबसे पहले हमें सोच बदलनी चाहिए, और हम जैसे जैसे जो टाइनी टाइनी स्टेप्स लेंगे अपनी जिंदगी में, इंशाल्लाह आपको अल्लाह बहुत मदद करेगा, यू नो, इस चीज को अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पे लाने के लिए। तो यस, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम म्यूजिक। आपको अभी लगता होगा कि नहीं, यू नो, जब कहते ना लोग, मैं सैड होती हूँ तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ ना, रियलाइज जब मैं सैड होती थी और मैं किसी और का सुनती थी कि वो म्यूजिक सुनते हैं, मैं म्यूजिक सुनती थी, मैं और डिप्रेस्ड हो जाती थी। मुझे लगता था ओ माय गॉड, दिस इज हाउ माय लाइफ इज, आप समझ रहे हो। एंड एक्साइटमेंट में म्यूजिक ने मुझसे ऐसी बहुत चीजें, यू नो, म्यूजिक सुन के मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हो जाती थी कि फिर यू नो वो दायरा में भूल जाती थी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड या I still remember there was a time when there was a group and hum bahar gaye the, and of course it was a club, and hum dance kar rahe the, and apparently one girl just popped in, and the way she was dancing, I'm telling you, mujhe sharam aa gayi, and I was like, why would somebody dance randomly like this in front of so many boys, like it's not a right move. तो you know, तब मुझे realize हुआ कि ये चीजें होती है। जब तक आप अपना जहन खुला नहीं रखोगे और अपनी सोच को वैसे नहीं रखोगे कि जो चीज है, हर चीज का दायरा होता है, तो definitely music is haram in every way, and हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बचे ये शैतानी जंगल से जो हमें कहते हैं कि नहीं, ये तो spiritual music है, ये तो ऐसी म्यूजिक है। म्यूजिक इज म्यूजिक, लिसन टू यू नो, अगर आपको कुछ स्पिरिचुअल सुनना है तो लिसन विदाउट म्यूजिक, यू नो, इट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट। बिकॉज मैंने रियलाइज किया है कि जब वो म्यूजिक होती है तो अंदर वो म्यूजिक का जो जोर होता है, व्हिच इज हायर, लिरिक्स सेकंड पे चले जाते हैं। एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज बैड फ्रेंड्स। मैंने एक हदीस में सुना है कि
जब हम सब हशर के मैदान पे खड़े होंगे और जब हमारे फैसले होंगे, तो सबसे ज्यादा इंसान जो एक चीज है उस पे पछताएगा वो होंगे बैड फ्रेंड्स, बुरे दोस्त, कि वो उस वक्त कहेगा हाय काश मैंने इससे दोस्ती नहीं की होती। तो आई एम श्योर स्पेशली फॉर यू नो ईमान वाले पीपल, ये उनके लिए बहुत, ये तो सबके लिए इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग जो हमें सबको सोचना चाहिए, बट जहाँ पे मुसलमान की बात आती है, जहाँ पे हम आखिरत वालों की बात आती है, तो जाहिर सी बात है जो आखिरत में यकीन रखते हैं वो इस बात में यकीन रखेंगे जो मैं कह रही हूँ कि दोस्त बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको आपके दोस्त आखिरत की याद नहीं दिलाते हैं तो वो बहुत, वो स्टूपिड फ्रेंड्स है, नहीं रखना चाहिए ऐसे दोस्त जो आपको आपकी बेहयाई में आपको मोटिवेट करते हैं इंस्टेड के रोके कि भाई ये मत करो, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये मत करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, अल्लाह को नाराज़ करती, अल्लाह को नाराज़ करेगी तो आपका रिश्ता ख़राब होगा, आपका रिश्ता ख़राब होगा तो आपके दिल का सुकून, रातों की नींद, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो ये दोस्त नहीं कहते आजकल, ठीक है। वो आपको और मोटिवेट करते हैं, जब आपको जैसे कपड़े पहनोगे तो आपको यू नो वो ये नहीं कहेंगे कि यू नो बहन ये अच्छे कपड़े नहीं हैं, आप थोड़ा हया की तरफ आए। तो जो दोस्त हमें ये सारी चीजों के बारे में याद नहीं दिलाते कि हम हराम कमा रहे, कि आप कोशिश करें, चलो अगर आप अभी इमिजिएटली छोड़ नहीं सकते, आप ऐसे कोई सिचुएशन में है तो आप अपने लिए हलाल रोजी के तरीके बनाए, कुछ तो करें, कुछ तो करें, निकले जल्द, मतलब आंसर तो होगा कि जल्द से जल्द निकले, लेकिन अगर जल्द से जल्द भी नहीं निकल पा रहे तो निकले, यू नो मेक एन एफर्ट, तो ये बहुत जरूरी है। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या करते हैं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो पांच वक्त की, तो अगर आपका दोस्त कहता है चलता है मैं भी नहीं पढ़ता या पढ़ती हूँ, दैट्स अ बैड इन्फ्लुएंस। नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है, आपका एक फर्ज नमाज छूटना, अगर आप उसके बदले 100 नफिल भी पढ़ते हो तो भी आपको उस फर्ज का बदला नहीं मिलता। तो आपको कोशिश करनी कि आप फर्ज नमाज, आप कोई भी नमाज ना छोड़ें, सुन्नत नफिल हर चीज जरूरी है, लेकिन फॉर एनी रीजन आप काम की जगह पे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कोई भी चीजें जहां पे आप अटके हुए हो, आई नो बहुत सारी जगहों पे आपको नमाज ब्रेक्स मिलना मुश्किल हो जाता है या वो वक्त निकालना मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट फर्ज पढ़े, डू नॉट मिस योर नमाज। कब्र में सबसे 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 पहला सवाल सिर्फ और सिर्फ आपकी नमाज का है, उसके बाद आपका रोजा, जक़ात, सदका, लोगों के लिए अच्छाई, लोगों के लिए खैर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये आपके काम आएगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए आपके दोस्त कौन है, अगर आपके दोस्त आपको सही रुख पर नहीं लेके जा रहे हैं और आपको रिश्ता जो अल्लाह से खराब हो रहा है, दूर होते जा रहे हो आप अल्लाह से, उसमें वो आपका साथ देते हैं, तो बेशक वो आपके आखिरत वाले दोस्त नहीं है, ये वो दोस्त है जो आपके मरने के बाद शायद आपके लिए कलमा भी ना पड़े, क्योंकि जब वही अल्लाह से इंसान इतना दूर है तो वो आपके लिए क्या करेगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे दोस्त बनाएं, हम उनकी सोबत में बैठे जिनकी सोबत हमें बेटर करे। वो कहते हैं ना, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, लिटरली अल्लाह ने कहा कि आप अपने साथ अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ बैठे। इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने ये बात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया, तो उन्होंने इनसे कहा कि मुर्दों के साथ ना बैठे। तो सहाबाओं ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दों के साथ तो हम वैसे भी नहीं बैठेंगे, हर किसी को खौफ होता है ना, कौन जाके कब्र में मुर्दों के साथ बैठेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन मुर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मुर्दों की बात कर रहा हूँ जो जीते जी अपना यू नो अपनी अपने दिल को मार बैठे हैं, जो अपनी आखिरत भूल गए हैं, जो ये भूल गए कि उन्हें आना एक दिन अल्लाह के पास है, उन्हें आना एक दिन कब्र में है, सवाल जवाब होगा, कयामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, जिनका दिल इन सारी चीजों से मुर्दा हो चुका है कि जन्नत का कोई शौक नहीं है, जहन्नम का कोई खौफ नहीं है, आप इनसे बचे। तो इनसे लिटरली बचने के लिए कहा गया है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनके साथ बैठे जो हमारे अंदर की बुराइयों को हमें सपोर्ट करे। हर इंसान का सही रुख पे आ जाना इमिजिएटली सीधा नहीं होता। मैंने ये रियलाइज किया अपनी जर्नी में कि या तो घर का वो माहौल हो, या तो दोस्त आप ऐसे बना लो अगर नहीं है तो स्विच करो, और तीसरा आप खुद पे मेहनत करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद पे तो आपको मेहनत इररिस्पेक्टिव करनी है, लेकिन आप अपने लिए वो माहौल क्रिएट करो। अगर आपको चेंज होना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है, तो वो चीज आप क्रिएट करें कि आप उसे कैसे क्रिएट करेंगे, एक वो माहौल लाके ऐसे लोगों से कॉन्टेक्ट में आओ
जो आपके मोटिवेट करे। एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास, ऑफकोर्स मेरे शौहर है, बट जब मैं चेंज हो रही थी और मेरे आसपास कोई नहीं था क्योंकि मैं और मेरे मॉम थे, तो मैंने कोशिश किया कि मैं एवरी डे बयान सुनूं, बयान से सीखूं। बयान सुनने से क्या होता है, आप सेम चीजें घड़ी घड़ी सुनते हो, लेकिन हर उलमा का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। उस एक आयत को आप 100 आपकी जिंदगी के एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ सकते हो, तो आप सुने, क्योंकि जो चीज आप सुनते रहते हो वो चीज आपके ऊपर एक एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और उसका जो तरीका होता है वो ज्यादा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आपने सुना होगा ना, जब आप कोई चीज ज्यादा सुनते हो तो वो आपके जहन में बैठ जाती है, हमेशा आपके मुंह से वो निकल जाता है, चाहे वो कोई स्लैंग हो, कोई वर्ड हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा बयान को सुने, उलमाओं को सुने, दीन के बारे में जाने, और एवरी डे सुनते रहे, दिन में सुने, रात को सुने। मैं कोशिश करती हूँ, हर रात को मैं एक बयान लगाती हूँ, जो मैंने सुन चुकी हूँ 100 बार भी मैं वो लगाती हूँ, ताकि एंड में मेरे कानों में जो बात है वो अल्लाह की जाए। जाहिर सी बातें जब वो जाएगी तो मुझे सपने भी अच्छे आएंगे, और एटलीस्ट मैं अल्लाह की बातें सुनकर अपना ईमान ताजा करके सो रही हूँ। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हराम रिश्ते से बचे, मौसीकी म्यूजिक से बचे, थर्ड अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त बनाए। सब अच्छे होते हैं लेकिन हम बहक जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो संभल जाते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं संभलते। तो जब आप खुद संभलोगे तो आप किसी को किसी और की जिंदगी में उसको संभालने का जरिया बन पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप पे काम करें, उसके बाद आप आप जिनको मिलते हैं, जिनसे आपकी बातें होती हैं, चाहे एक बार आप मिलो चाहे बहुत बार मिलो, तो आप उनको वो चीज उनके दिलों में आप डाल सकते हैं। तो बस आप कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह हम सबकी मदद करे और हम सबको बेहतर बनने का और अच्छा बनने का एक दूसरे के लिए जरिया बनाए, खुद के लिए अपना जरिया बनाए, और बस अल्लाह पे यकीन रखें। इंशाल्लाह अगर आपने कोशिश की है तो अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम।